नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं रुनेंद्र। थाना और मालखाना, इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प खबर हम लेकर आपके सामने इसमें उपस्थित हुए इस वीडियो में। और खबर यह है कि 18 साल बीत गए, थाना के मालखाना में जमा एक राइफल का अता पता नहीं चलता है। और ऐसी स्थिति तब है जबकि इस मामले में सीधे तौर पर पटना हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस है। मामला बहुत ही पेचीदा है, दिलचस्प है। एक अपील है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में करते हैं कि अगर खबर समझनी हो तो पूरी खबर को जरूर सुने, तब आप भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि अधिकांश खबरों का निष्कर्ष अंतिम समय में ही किया जाता है। तो आपको हम लिए चलते हैं इस खबर के अंदर की ओर, पूरी बात आपको समझाते हैं कि मामला है क्या। इस मामले में पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्या होगा नहीं होगा, और लड़वैया जी है कड़ा, वो भी छोड़ने वाले नहीं है। तो हम मसला पर लिए चलते हैं। मसला यह है कि साल 2005-06 के दौरान नवादा के एक पत्रकार हैं राजकुमार जी, मगध की पुकार नाम का एक साप्ताहिक उनका अपना न्यूज़पेपर है, उसके वो संपादक भी हैं, प्रकाशक भी हैं, जो भी हैं सब कुछ वही है उसके। उनके नाम से एक राइफल का लाइसेंस था, लाइसेंस था तो राइफल भी उनका था। 2006 में, 5 मई 2006 में उस समय के डीएम, जैसा कि बताया जा रहा है पंकज कुमार थे, उन्होंने पत्रकार महोदय का लाइसेंस रद्द कर दिया। जब लाइसेंस रद्द हुआ तो नियमानुकूल उन्होंने राइफल को टाउन थाना में जमा किया। टाउन थाना में राइफल जब जमा हुआ तो उसके बाद ये राइफल की वापसी और लाइसेंस जो इनका रद्द किया गया था जिस भी क्लॉज के तहत, उसके खिलाफ ये पटना हाईकोर्ट चले गए। पहले तो इन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रशासन से ही चाहा कि किसी न किसी रूप से लाइसेंस रिन्यू हो जाए, फिर से हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ तो पटना हाईकोर्ट गए। और जो जानकारी हमें कि 2013 में इन्होंने CWJC 24282 2013 केस नंबर इन्होंने पटना हाईकोर्ट में फाइल किया। और उस हाईकोर्ट में जब इन्होंने केस फाइल किया तो 2016 में आदेश पारित हुआ कि आप इनको राइफल लौटाएं, लाइसेंस बहाल करें, जो भी हो। बाद के दिनों में इनका लाइसेंस बहाल भी हो गया, लेकिन राइफल इन्हें वापस नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया कि साल 2019 में इन्होंने MJC अवमाननावाद पटना हाईकोर्ट में दायर किया। और वो अवमाननावाद ये है 12/30/2019, उस पर सुनवाई के बाद जैसे ही केस फाइल हुआ तो हाईकोर्ट के स्तर से जो प्रक्रिया होती है उसके तहत जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वगैरह से क्रोस्पॉन्डिंग किया गया कि राइफल कहाँ है, राइफल लौटाई वगैरह जो भी हो। तो इस दौरान जो एक जांच प्रतिवेदन डीएम के द्वारा इस मामले में मांगा गया SP से, और SP जो तक उस समय के थे, 2022 की बात है, उन्होंने क्या किया कि संभवतः हरिप्रसाद व्यास या जो भी उसमें SP हो, तो उनके द्वारा क्या किया गया कि जांच जब कराई गई तो पता चला कि टाउन थाना के मालखाना में राइफल है ही नहीं, राइफल का कोई अता पता नहीं है। जिसमें यह राइफल जमा किया गया था टाउन थाना में, उस समय राम निहोरा ठाकुर करके यहां थानाध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे भी कंप्लायंस वगैरह किया गया, वो भी आए गए, कहीं राइफल का आता पता नहीं चला। आलम यह है कि अब इस केस को डिस्पोज्ड कर दिया गया है, ये 2023 में जाकर के इस केस को डिस्पोज किया गया है। 13 जुलाई 2023 को संभवतः उसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन को डायरेक्शन हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है कि आप राइफल या तो राइफल वापस कीजिए और नहीं तो उसका कंपलसेशन मुआवजा जो है वो दीजिए। लेकिन यही से बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मालखाना का राइफल गया कहां।
अगर मालखाना में वो जमा किया गया राइफल नहीं है तो निश्चित तौर पे जो भी पदाधिकारी के कस्टोडियन इसके होंगे, मालखाना प्रभारी या थाना प्रभारी, तब के बीच के वर्तमान के कोई भी हो सकते हैं, तो किसी न किसी के ऊपर तो लाइबिलिटी फिक्स होगी कि आखिरकार जब कंपलसरी राइफल नहीं है तो कंपलसेशन देना है, तो कंपलसेशन कौन देंगे, किनके रीजन में राइफल गायब हुआ, जमा तो हुआ रमनीवाला ठाकुर के समय में, यह बात तो साफ है, लेकिन राइफल अगर नहीं है तो किनके रीजन में गायब हुआ, कब कब को मालखाना पर, लाइबिलिटी फिक्स होगा। और निश्चित तौर पर इसमें सबसे पहले तो FIR का मसला बनता है, हमारी जो समझ कहती है, ऐसे इस पर लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। और वैसे नगर थाना नवादा का यह मसला है, और नगर थाना नवादा में इस प्रकार की कोई नई बातें नहीं है। पिछले साल की बात है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा जब्त किया गया एक बाइक की नीलामी हुई थी, और उस बाइक की नीलामी जो भी व्यक्ति लिए थे, सज्जन शैलेश कुमार संभवता नाम था उनका, और वो टाउन थाना ढूंढते टहलते रह गए, लेकिन वो टाउन थाना में वो बाइक नहीं ही मिली। बाद के दिनों जब पूरा दबाव बना कि भाई आखिरकार टाउन थाना से वो बाइक गई कहां, कैसे गायब हो गया, तो कोई जवाब नहीं था, और अंततः थानाध्यक्ष को उस मामले में कंप्रोमाइज करना पड़ा, तब के थानाध्यक्ष विजय कुमार सिंह थे। और कंप्रोमाइज में क्या होता है समझ सकते हैं, जो पता चला कि जिस राशि में उस बाइक की नीलामी जिस व्यक्ति सज्जन ने लिया था, उतनी राशि टाउन थाना को देना पड़ा, लिखा और तब लिखवा करके लेना पड़ा कि बाइक हमें मिल गई। हालांकि वह बाइक का अता पता, निश्चित तौर पर अच्छी गाड़ी थी, अच्छी बाइक थी, और उस बाइक का को कहीं ना कहीं नगर थाना से दाएं बाएं किया गया। उस समय के जो भी पदाधिकारी रहो जिनको हाथ लगा वो गायब कर दिए। थाना का मालखाना और मालखाना का जो सामान, जो भी अच्छा सामान हो, उस समय के पुलिस पदाधिकारी जो भी रहते हैं, जिन्हें जो सूट करता है, वो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कहीं से कहीं लेकर के चले जाते हैं। लेकिन बाइक तो समझ में आता है, एक राइफल अगर कहीं ना कहीं टाउन थाना से गायब हुआ है तो ये बहुत ही गंभीर आपराधिक मामला है, और इस पे कहीं कहीं लीगल एक्शन तो होना ही चाहिए, और जो भी ऑफिसर इसमें दोषी हो, लाइबिलिटी तो किसी पर फिक्स होना है, क्योंकि लड़वैया कहा है, राइफल मिले या कंपनसेशन मिले, अगर कंपनसेशन इनको नहीं मिलता है तो ये फिर हाईकोर्ट जाएंगे, उस परिस्थिति में क्या होगा स्थानीय ऑफिसरों का। तो पुलिस का खेल निराला होता है। एक पुलिस ऑफिसर से हमारी बहुत अच्छी गहरी संधि थी, वो कहते थे थाना का डिफिनेशन था ना, अगर इसको संधि विच्छेद किया तो था भी और ना भी, किस समय थाना है किस समय थाना नहीं है, थाना मतलब था ना, तो इस प्रकार वो कहते थे। थोड़ा इंटरेस्ट हम लोग को जगता था उसमें, आज के दो दशक पहले की बात है, उसमें नौजवान पत्रकार हुआ करते थे, तो थाना का पुलिस का ये सब का बहुत अच्छा डिफिनेशन वो दिया करते थे, और बड़ा दिलचस्प लगता था उसमें पत्रकारिता में, खासकर क्राइम ब्यूज से संबंधित बहुत सारे पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दिया करते थे। तो ये मामला गंभीर है दोस्तों, राजकुमार जी का राइफल 2005 से लेकर अब तक टाउन थाना के मालखाना में किया गया, कहां गया, लापता हो गया पता नहीं है, लेकिन पुलिस को राइफल लौटाना है, कंपलसेशन देना है, कंपलसेशन कौन देंगे, इस पर लाइबिलिटी फिक्स होगी, तभी तो कंपलसेशन देंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर पुलिस महकमा का क्या निर्णय होता है, हमारी नजर इस खबर पर रहेगी दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते हम राजकुमार जी का कुछ बयान मेरे पास है, वो चाहते हैं हम आपको सुनाते हैं, तो चलिए आपको लिए चलते हैं, राजकुमार जी का बयान सुनाते हैं, ब्रीफ है, उनका राइफल गायब हुआ है, वह सुरक्षित महसूस करो क्या करते हैं, लिए चलते हैं उनका बयान आपको सुनाने के लिए। हम नवादा जिला मुख्यालय से हिंदी साप्ताहिक समाचार मगध की पुकार का प्रकाशन करता हूँ, जिसका हम प्रकाशक से संपादक हैं। मेरा नाम राजकुमार हुआ, और इस बीच हमारे साथ कई बार घटना होने के बाद हमको लाइसेंसी राइफल का जो अनुभूति था उसी के आधार पर हम राइफल खरीदे थे। इसी कारणवश मेरा जिला पदाधिकारी ने लाइसेंस को रद्द कर दिया था, और रद्द करने के बाद हम उसमें
बुक करने के लिए हाईकोर्ट गए थे पटना उच्च न्यायालय, जहाँ हमें मतलब उस लाइफर को निर्गत करने के लिए आदेश कई बार दिया, परंतु जिला प्रशासन नहीं मुक्त किया। अंतोगत्वा नवादा नगर थाना में मेरा जो 5/5/2006 से जमा था, उस लाइफर को नवादा नगर थाना के मरखाना से गायब हो गया है, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने किया है, पुलिस अधीक्षक ने भी किया है। उसके बाद हम पुनः उच्च न्यायालय पटना गए, जहां 13/7/2023 को मेरा राइफल को मुक्त कर दिया गया है और डायरेक्शन दिया गया है नवादा एसपी को, इनका राइफल को लौटा दिया जाए।